अनाथ शेर का बच्चा बना जंगल का राजा और काले चीते का हमला। एक दिन काला चीता शिकार के लिए जा रहा था, तब उसे शेर का बच्चा दिखाई देता है। शेर का बच्चा, इसका शिकार करने में तो बड़ा मजा आएगा। काला चीता बच्चे के पास जाता है। काले चीते को देखकर बच्चा डर जाता है। तब काला चीता कहता है, डर मत छोटे शेर, ऐसे डर के अपने शेर जाति पर दाग मत लगा। चल अब बिना डरे भाग, अगर मेरे हाथ लगा तो जान से जाएगा, और हाँ अगर भागने में कामयाब हो गया तो बच जाएगा। काला चीता बेचारे छोटे शेर के सामने भागने की चुनौती रखता है। आखिर उस बच्चे में भी शेर का खून था, इसीलिए वो रोना बंद करके तेजी से भागने लगता है और उसके पीछे काला चीता। बच्चा छोटा था पर वो पूरी ताकत से भागने लगता है। काले चीते को पता था कि बच्चा ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। ऐसे में बच्चा एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। काला चीता गड्ढे के पास आता है। गहरा गड्ढा देखकर काला चीता कहता है, अब तो इस बच्चे को बचाने में कोई मतलब नहीं है। इसे गहरे गड्ढे से बचाना मतलब खुद की जान भी दाव में लगाना है। जाने दो, अब तो ये बच्चा इस गड्ढे में ही मर जाएगा। काला चीता ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। बच्चा नीचे गिरा था पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ एक गाय आती है। वो प्यासी थी, उसे लगा था कि शायद वो कोई कुआ हो। वो जब गड्ढे में झांकती है तो शेर के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। अरे ये तो गहरा गड्ढा है और यहाँ तो शेर का बच्चा गिरा हुआ है। जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालना होगा। कुछ तो आइडिया करनी होगी इसे बाहर निकालने की। गाय थोड़ी देर सोच विचार करती है, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। वो बच्चे से जोर से कहती है, देखो बच्चे घबराओ मत, थोड़ी ही देर में यहाँ मिट्टी गिरना शुरू होगी। तुम उस मिट्टी के ऊपर चढ़ते जाना, समझे ना? ठीक है। गाय अकेले गड्ढे में मिट्टी डालती रहती है पर वो थोड़ी ही देर में थक जाती है। अरे ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे बाकी जानवरों की मदद लेनी पड़ेगी। तब गाय जानवरों के पास आती है और उन्हें सब बता देती है। जानवर गाय की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सारे जानवर मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मिट्टी गड्ढे में गिरती है वैसे वैसे बच्चा मिट्टी के ऊपर चढ़ता जाता है और कुछ ही देर के बाद वो गड्ढे के ऊपर आता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक सबने मुझे मारने की कोशिश की है पर आज तुम सब ने मिलकर मेरी जान बचाई। दरअसल मेरे माता पिता को बाघ ने मार दिया, मैं अनाथ हूँ। मैं जान बचाकर यहाँ भाग कर आया और काला चीता भी मेरे पीछे पड़ गया। बाप रे, छोटी सी जान पर ये क्या मुसीबत आन पड़ी। पर बेटे तुम घबराओ मत, हम सब है ना, हम तुम्हें पालेंगे और इस काबिल बनाएंगे ताकि तुम उस बाघ से बदला ले सको। अरे पर यहाँ तो वो काला चीता है ना, मुझे देखकर फिर से वो मेरा शिकार करने आएगा। उसकी तुम चिंता मत करो, वो होगा बड़ा शिकारी पर हम सबके ताकत के सामने उसकी ताकत कम है। उस दिन से बच्चा गाय और बाकी जानवरों के साथ रहने लगता है। गाय और जानवर सारे उसे शेर सिंह कहकर पुकारने लगते हैं। एक दिन काला चीता शेर सिंह को देख लेता है। वो उसका शिकार करने आता है पर सारे जानवर मिलकर उसे रोक लेते हैं। रुक जा काले चीते, तू इस मासूम अनाथ का शिकार नहीं कर सकता। और हाँ, एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो आज तू जान से जाएगा। सारे जानवरों की एकता देखकर काला चीता वहाँ से चला जाता है। काला चीता शेर सिंह का कुछ नहीं कर पाता है पर वो हमेशा उस पर नज़र रखे रहता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। शेर सिंह बड़ा हो चुका था। ऐसे में एक दिन वो गाय से कहता है, माँ अब मैं कुछ ही दिनों में अपने जंगल जाऊंगा और बाघ से लड़ाई करके उसे जान से मार डालूंगा।
हाँ बेटा, हम सब इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। काला चीता चुपके से ये सब सुन लेता है। अच्छा, तो ये खबर मुझे पहले ही बाघ तक पहुंचानी होगी। काला चीता तुरंत दूसरे जंगल जाता है। वो बाघ से मिलकर उसे शेर सिंह के बारे में बता देता है। अच्छा, तो वो शेर का पिल्ला मरा नहीं अब तक? वो क्या मुझे मारेगा? मैं ही उसे मौत के घाट उतार दूंगा। वैसे काले चीते, तुमने सही समय पर आकर मुझे खबर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, बस मुझे अपना खास मंत्री बना लीजिए। आहा, तुम वैसे ही इस काबिल हो, आज से तुम मेरे खास मंत्री। चलो मुझे उस शेर के पिल्ले के पास ले चलो। काला चीता बाघ को लेकर जंगल आता है। बाघ शेर सिंह के सामने आता है। अरे ओ पिल्ले, देख मैं तेरे ही पास आ गया। ले अब दिखा मुझे मार कर। तुमने मेरे माता पिता को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस काले चीते को। काला चीता सबसे पहले हमला करने जाता है, पर उस वक्त हाथी पीछे से आकर उसे मारने लगती है और साथ ही साथ बाकी के जानवर भी वहां आ जाते हैं। शेर सिंह बाघ के साथ लड़ाई करता है। सारे जानवर भी शेर सिंह की मदद करते हैं और सब मिलकर बाघ और काले चीते को जान से मार देते हैं। शाबाश बेटा, बिना डरे मुसीबत का सामना किया। और देखा बेटा, एकता में कितनी ताकत होती है। इसीलिए अपने जानवरों को हमेशा खुश रखना, तभी वो तुम्हारी मदद करने आएंगे। फिर गाय और सारे जानवर शेर सिंह के जंगल आते हैं। शेर सिंह को उस जंगल का राजा बना दिया जाता है और सारे खुशी से रहने लगते हैं। पिता के रूप में निकला खूनी रंगीन शेर और सफेद शेर ने लिया अपनी माँ के खून का बदला। जंगल का राजा एक रंगीन शेर था जो अपनी पत्नी और बेटे सिम्बा के साथ रहता था। सिम्बा एक सफेद शेर था। एक दिन बाघ फिर अपने बच्चे का शिकार करने ही वाला था कि उधर से गुजर रहा सिम्बा उसे रोक लेता है। देख सिम्बा, मैं तेरे पिता के बेफिजुल नियमों से तंग आ गया हूँ, अब तू शुरू मत हो जाना, समझाना। यूं बाघ बोल ही रहा था कि वहाँ शेर आता है। शेर को देख बाघ की बोलती बंद हो जाती है। सिम्बा शेर को सारी बात बताता है, जिसे सुन शेर जोर से दहाड़ मारता है और कहता है, बाघ तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। महाराज वो मैं। इससे पहले कि बाघ कुछ कहता, शेर गुस्से से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन बाघ डर के मारे वहां से चला जाता है। रास्ते में बाघ अपने मन में सोचता है, अरे ओ शेर, मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा, देख लेना। अगले दिन सुबह हथनी और खरगोश जंगल में घूम रहे थे कि रास्ते में हिरन और उसका बच्चा बड़ी ही बेरहमी से मरे पड़े हुए नजर आते हैं। अरे ये क्या हो गया, किसने इन माँ बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला? चलो इसकी खबर हम महाराज को देते हैं। हथनी और खरगोश शेर के पास जाते हैं। हथनी शेर को सारी बात बताती है। तब खरगोश कहता है, महाराज लगता है यह सब उस बाघ का किया धरा है। कल आपने उसे जंगल से निकाल दिया था ना, तो वो गुस्से में आकर ये सब कर रहा है। अच्छा, तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे तू सब जानता है। अरे बंद कर अपनी बकवास, मैं बाघ को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं है। शेर के गुस्से को देख हथनी और खरगोश वहां से चले जाते हैं। महाराज बाघ की फितरत से तो हम सब वाकिफ है, इसीलिए तो आपने उसे जंगल से निकाल दिया, फिर क्यों आप बेचारे खरगोश पर गुस्सा कर रहे हो? देखो तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ज्यादा नसीहत देने की कोशिश मत करो, समझी। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। शेर के बर्ताव को देख शेरनी चौंक जाती है। कुछ देर बाद शेर बाघ को लेकर अपनी गुफा के पास आता है। बाघ को देखकर शेरनी गुस्से से कहती है, महाराज यह कमबख्त बाघ यहाँ क्या कर रहा है और क्यों आया है?
इसने मुझसे माफी मांगी है, इसलिए मैं इसे एक मौका देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। पर पिताजी, आप ऐसे कैसे इसे यहाँ रख सकते हो? तुम मेरे बेटे हो, बाप बनने की कोशिश मत करना, समझे? ये कहकर शेर बाग को लेकर वहां से चला जाता है। शेर का बर्ताव दिन ब दिन बदलते जा रहा था। ना तो जानवरों की परवाह कर रहा था और ना ही शेरनी और सिम्बा की। जंगल में दिन ब दिन जानवरों का शिकार बढ़ता जा रहा था। एक दिन हिरन भागते हुए सिम्बा के पास आती है। अरे हिरन, क्या हुआ? क्यों तुम इतनी परेशान हो? सिम्बा, अभी कुछ कहने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। सिम्बा हिरन के साथ जाता है। वहाँ शेरनी मरी पड़ी थी। शेर उसके पास खड़ा होकर रो रहा था। पिताजी, माँ को क्या हुआ? किसने माँ की ये हालत की? बेटा संभालो अपने आप को, खूनी को कौन डाल सकता है? सिम्बा और बाकी जानवर बहुत उदास थे। अगले दिन सिम्बा हथनी से कहता है, आखिर जंगल में ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो ना हो ये सब बाघ का ही किया धरा है, पर पिताजी है कि उसके ही गुण गाए जा रहे हैं। हाँ सिम्बा, महाराज बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो हमारा कितना ख्याल रखते थे। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि उधर से लोमड़ी ढेर सारा मांस लिए हुए भागती हुई जा रही थी। अरे लोमड़ी रुको, इतना सारा मांस किसके लिए ले जा रही हो? सिम्बा मुझे जाने दो, वो बाघ ने मांस लाने के लिए कहा है, अगर देरी हो गई तो वो मेरी जान ले लेगा। उसकी ये मजाल, क्या तुमने महाराज से इसके बारे में बात की? जब ये वो बोल रहा था तो महाराज भी तो उसी के साथ खड़े थे। सिम्बा और हथनी लोमड़ी के साथ शेर के पास जाते हैं। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों आप बाघ को इतनी छूट दे रहे हो? ये मासूम जानवरों पर हुकुम चला रहा है। तो क्या हुआ, ये वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरा खास मंत्री है, समझे? आज से बाघ को कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। सब वहाँ से चले जाते हैं। सिम्बा बाज को बुलाता है और बाघ पर नजर रखने के लिए कहता है। बाज बाघ पर नजर रखता है। बाघ शेर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों सगे भाई हो। दो दिन बीत जाते हैं पर सिम्बा के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। सिम्बा, दो दिन बीत गए पर कोई सुराग हाथ में नहीं आया, अब हम क्या करें? थोड़ा सा सब्र करो, दुश्मन चाहे जितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है, बस हमें उस पल का इंतजार करना होगा। यूं वो सब बाघ पर नजर रखते हैं। उस रात बाघ तालाब के पास पानी पी रहा था। बाज बाघ पर नजर रखे हुए था। वहीं दूसरी ओर हथनी और सिम्बा शेर की गुफा के पास जाते हैं। उन्हें शेर तो नजर नहीं आता पर बाघ गुफा के बाहर सो रहा था। सिम्बा, लगता है महाराज सो गए हैं, बाघ भी सो रहा है। जाओ जाकर तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, मैं इस पर नजर रखती हूँ। ये सुनकर सिम्बा वहां से निकलता है कि रास्ते में उसे बाज मिलता है। अरे सिम्बा, कहाँ जा रहे हो? तब सिम्बा सारी बात बताता है। क्या बाघ गुफा के बाहर सो रहा है? पर वो तो यहाँ तालाब के पास पानी पी रहा है, वो देखो। सिम्बा बाघ को देखकर चौंक जाता है। अगर ये यहाँ है तो वो कौन है? तुम चलो मेरे साथ। दोनों शेर की गुफा के पास आते हैं कि थोड़ी ही देर में तालाब के पास पानी पी रहा बाघ शेर की गुफा के पास आता है। दो बाघों को देखकर हथनी और लोमड़ी चौंक जाते हैं। अरे भाई, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, अगर किसी ने तुझे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं उस शेर की खाल में रहकर थक गया हूँ, वैसे भी तू जल्दी से मौका देखकर उस सिम्बा को भी रास्ते से हटा दे, फिर हम आराम से इस जंगल पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए उन दोनों पर टूट पड़ता है। दोनों सिम्बा को देख घबरा जाते हैं। इन तीनों के बीच जब तक लड़ाई होती है। दोनों बाघ काफी घायल हो गए थे।
तुम्हारे पिताजी ने मुझे जंगल से निकालकर अच्छा नहीं किया। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे सारे परिवार को मैं मार डालूंगा। फिर मैंने उसी रात अपने भाई के साथ मिलकर तुम्हारे पिताजी को मार डाला और उनकी खाल पहनकर तुम्हारी माँ को भी मार डाला। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए उन पर हमला कर उन्हें मार डालता है। यूं एक बेटा अपनी माँ और बाप के खून का बदला लेता है।